हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम लोग आप 10th क्लास की मैथ की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को हम लोग 2 अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और भी यूजफुल वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखिए, इन्होंने क्या पूछा है, कहते हैं हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनकी जीरोज फाइंड करनी है और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको जीरोज क्या होती हैं ये बताया था, और उनके आपस में दो जो रिलेशन होते हैं, दैट इज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं ये बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है आपको बताया गया, जिनकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 तक रेस की गई हो। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग अपने पॉलीनोमियल की हर एक टर्म को एक सिंबल दे दें ए बी सी, तो इस तरह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनता है बी, और कॉन्स्टेंट टर्म बनती है सी। आज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमने लिखना है तो जो भी सबसे हाईएस्ट टर्म होगी उसको हमने सबसे आगे लिखना है, उसके बाद उससे छोटी टर्म, उसके बाद उससे छोटी टर्म, और फिर सबसे छोटी टर्म। तो चलिए अब इस फर्स्ट सम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म को, यानी कि 2x को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन अभी एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। किसी भी टर्म को स्प्लिट करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, उसको इस तरह से, उसको ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना होता है जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारी मिडिल टर्म आए, और उनको, उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आए। तो अब ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। प्लस हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हमारी आगे जो सिंबल है वो है माइनस का, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, अगर हम लोग 2 को भी माइनस में ले लेते हैं 2x में, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमने 4 में से 2 माइनस करने हैं, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस ले रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो चलिए अब हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन में से क्या बाहर आएगा, इस टर्म में से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, एक्स, हमने एक्स कॉमन ले लिया, इस टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से अंदर आ गया हमारा एक्स माइनस 4x, और दूसरी तरफ हम लोग क्या कॉमन लेंगे, कि अंदर हमारी सेम टर्म है। आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर, इस टर्म के भी और इस टर्म के भी, सेम हमारी जो है टर्म्स आनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे एक्स माइनस 4 आया है तो इधर भी एक्स माइनस 4 आना चाहिए। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया प्लस 2, अंदर आ गया एक्स माइनस 4, वो कैसे, अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, तो इस तरह दोनों ही जो हमारे बराबर आ चुकी हैं। तो अब इसको कुछ इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 4, ये हमारी टर्म्स आ गई। अब क्या होगा, x की जीरो क्या होगी, जब x प्लस 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरो क्या होगी, जब x प्लस 2 जो है इक्वल टू जीरो हो और एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो हो, या फिर हम लोग कैसे भी बोल सकते हैं, एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा नेगेटिव 2 पे, और साथ ही ये जीरो होगा प्लस 4 पे। तो ये हमारी दो जीरोज आ गई हैं। अब हम लोग इनके रिलेशनशिप्स वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आना चाहिए, सम ऑफ जीरोज हमारा आना चाहिए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो अब देखते सम ऑफ जीरो हम लोग लिख देते हैं, 4 प्लस 2 हमारा नेगेटिव है इज इक्वल टू नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा 2 नेगेटिव ओवर कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है 1 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब उसकी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो है 1। अब देखिए इसको सॉल्व करें, 4 प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर भी ये ब्रैकेट के बाहर है और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, तो ये आ गया 2 ओवर 1। 4 में से 2 माइनस किए हमारे आगे 2 और इधर भी 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो अब हमारा सम ऑफ जीरोस जो है वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है हमारा वो इक्वल टू होता है, वो होता है हमारा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग ले लेते हैं, 4 इंटू माइनस 2 ओवर हमारा कॉन्स्टेंट टर्म हमारी कितनी है माइनस 8 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 1। 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 और इसी तरह माइनस 8 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 8। तो इस तरह से हमारे दोनों ही रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो चुके हैं और हमारे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरो है इस पॉलिनोमियल की जीरो जो है मिल चुकी है। इसी तरह हम लोग अपने बाकी पॉलिनोमियल्स के लिए भी जीरोस फाइंड करेंगे और इनके रिलेशनशिप। तो चलिए अब हम लोग अपना सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 4s² - 4s + 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है कि प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आए और उसको उन दोनों ही टर्म्स को उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों टर्म्स का सम आए। तो अब इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, 4s - 2s - 2s। हम लोगों ने 2s क्यों लिया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस। अब इनको सॉल्व करें और देखिए ये हमारा इस पॉलिनोमियल में से हम लोग क्या बार क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे 2s कॉमन लिया, अगर हमारा 2s - 1 और इसमें से भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा 2s - 1। तो अब ये जो हमारी दो टर्म्स हैं ये बन गई 2s, ये बन गई हमारी 2s - 1। तो हमारा जो x है 0 कब होगा, जब 2s - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हो गया हमारा 2s - 1। अब इसको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर s को 0 करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो 1 था वो माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया, और सेम इसी तरह से इस एस का भी हमारा आ गया 1/2। तो ये है हमारी इस पॉलिनोमियल की दो जीरो 1/2 1/2। तो ये होगी हमारी जीरोस। हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है दैट इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एस बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो हम लोग सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू हमारा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है 4 वो और ओवर कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 4। अब ये हमारा क्या हो गया हाफ किसके हाफ प्लस हाफ हो गया इक्वल टू 1। ये और इसको ऐसे सॉल्व कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो ये रह गया हमारा अंदर 4, 4/4 कितना होता है 1। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस हमारा हो गया वेरीफाई, दोनों साइड से इक्वल है। अब हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे क्या होगा हमारा 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू सी। सी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट
टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है? 1। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारी 1 बाय ए। ए हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है यहाँ पे 4। तो ये भी आप लोगों को सिंपली दिख रहा है आसानी से कि क्या आएगा हमारा 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 is equal to 4, 1/4 = 1/4। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया? वेरीफाई। इसी तरह बहुत आसानी से आप लोग इन सम्स को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। ये थर्ड सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो मैथ्स टीचर्स होते हैं उनको बच्चों को ट्रिक करने में बहुत मज़ा आता है। हमारी ये जो थर्ड सम की क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको भी उन्होंने ट्रिक कर दिया है, मुश्किल बना दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जो पॉलीनोमियल है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे? मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई भी पॉलीनोमियल लिखा जाता है तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट टर्म, फिर उसके बाद उससे छोटी टर्म और फिर उससे छोटी टर्म। अब हमारी जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है किसी भी पॉलीनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म जो है सबसे छोटी मानी जाती है। तो ये आएगी हमारी पीछे और सेवन एक्स आएगा हमारा आगे। तो अब देख रहे क्या करना है हम लोगों को, इसको रीअरेंज कर लेना है। ये हमारी पॉलीनोमियल इक्वेशन बन गई 6x² - 7x - 3। तो अभी ये है हमारी सभी इक्वेशन। कई बार क्या होता है हम लोग एग्जाम में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, हम लोगों की ये चीज़ें जो हैं ध्यान में नहीं आती और हम लोग सीधे सॉल्व करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए जब भी आप लोग पेपर में बैठे हो, एग्जाम में बैठे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम सॉल्व करते वक्त ध्यान में ज़रूर रखें। तो अब जब हमने इसको रीअरेंज कर दिया है इस पॉलीनोमियल को, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब +9x - 3 देख रहे, 9x में से 2x माइनस करेंगे 7x और 9x को 2x के मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18x², दैट इज 6x² * 3। अब जब हमारी ये जो पॉलीनोमियल है रीअरेंज हो गई है तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे किन दो नंबर्स में जिनको प्लस माइनस करने पर आए 7x और मल्टीप्लाई करने पर आए इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो अब चलिए इसको स्प्लिट करते हैं 6x² - 6x² + 2x - 9x - 3। अब जब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर ली है तो हम उसमें से कॉमन ले लेंगे। इस इक्वेशन में से हमारा कॉमन आएगा 2x। 2x हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया हमारा 3x + 1। और इस इक्वेशन में से हम लोग कॉमन लेंगे -3। -3 कॉमन लिया, अंदर आ गया हमारा 3x + 1। ये हमारी टू इक्वेशन, ये हमारी दो जीरोज आ गई हैं 2x - 3 और 3x + 1। ये जो है हमारी दो जीरोज हैं इस पॉलीनोमियल को, इन पॉलीनोमियल की इनको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं। दैट इज x = इधर माइनस का था 2 3 5 जाएगा = के तो प्लस, ओवर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का था इधर गया तो डिवाइड, x = 3/2। और हमारी दूसरी जीरो क्या आ गई, x = यहाँ पे प्लस 1 प्लस का था इधर जाएगा तो माइनस का, ओवर यहाँ पे 3 डिवाइड मल्टीप्लाई का था दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। तो ये जो है हमारी दो जीरोज आ गई हैं पॉलीनोमियल की। और अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। हमारा जो रिलेशनशिप क्या था, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे आएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया 3/2 + -1/3 = - कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा कितना है 7, पहले -7 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 6।
अब देखें इसको सॉल्व कीजिए। अब इसका हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 × 3 कितना हो गया हमारा 6। अब इसको कैसे करते हैं, दो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आ गया हमारे पास 6। अब जो 6 आया है इसको कैसे करेंगे, 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस टर्म के साथ हम लोगों ने डिवाइड करना है जैसे 2 के साथ, और डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने ऊपर वाली टर्म के साथ डिनोमिनेटर के साथ हम लोगों ने डिवाइड करना है और न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 हमारे पास एलसीएम लेके आ गए, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 × 3 = 9 प्लस, ये हमारा प्लस माइनस क्या हो जाना था, माइनस, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 × 1 = 2 तो ये आ गया हमारा 9 − 2/6। अब इसको हम लोग ले लेते हैं माइनस माइनस प्लस 7/6। अब थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ इसको, 7 इधर आ गया हमारा 7/6। और अगर हम 9 में से, और अगर हम 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 7/6। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा हमारा, 3/2 × -1/3 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो हमारा इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है हमारी -3, और हमारा क्या कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 6। इसको आप लोग देख ही सकते हो पहले से सॉल्व है, 3 × -1 हो गया हमारा -3/2 × 3 हो गया 6 इज इक्वल टू -3/6। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी जो है वो वेरीफाई हो गया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ऐसी ही और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।